हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की सुबह में, जैसे कि मैंने कल चैनलिंग की थी कि बहुत से रियूनियन फिर आगे होने वाले हैं या बहुत अच्छी टाइम आके आपके आने वाला है, तो मेरे माइंड में आया कि आज मैं आपसे शेयर करूं द कन्फर्म 100% कन्फर्म साइन ऑफ रियूनियन। 100% कहिए, 200% कहिए, 1000% कहिए, ठीक है। बट दोस्तों, उसके पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, एक नहीं दो बात। पहली बात तो ये कि ये जो जर्नी है ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई बवाल नहीं है, बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए। देखिए, इस जस्ट लाइक ये आपको एक आपको चुना गया है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, ठीक है। और ये गॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब सब भगवान पे आपने सरेंडर कर दिया है तो किस बात के लिए आप लोग परेशान होते हो। सी, अगर मैं आपको कोरिलेट करूँ, मैंने बहुत पहले एक वीडियो में कहा भी था, इस लाइक कि एक जो माँ होती है जो अपने बच्चे को अपने पेट में गर्भ में रखती है और 9 महीने बाद उसको जन्म देती है, राइट। तो 9 महीने माँ का काम क्या होता है? सिर्फ राइट डाइट लेना, राइट न्यूट्रिएंट्स लेना, ठीक है। बाकी वो अंदर जो बच्चा बन रहा है उसके सिस्टमेटिकली उसके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, ये सारा काम भगवान का होता है। जब आप उस वक्त चिंता नहीं करते हो, आप उस वक्त सिर्फ अपनी डाइट का ध्यान रखते हो, प्रॉपरली अपनी न्यूट्रिएंट्स मल्टीविटामिन्स आयरन इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो और सब चीज़ भगवान के हाथ में छोड़ते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरे हाथ में बच्चे को ग्रो करना नहीं है। बच्चा जैसे भी इस दुनिया में आएगा, सब भगवान के ही हाथ में है। इसी प्रकार से ये जर्नी भी वही है, सारा काम भगवान खुद करा लेगा। आप बस सरेंडर कर दो, ठीक है। बिल्कुल मत सोचो कि कैसे होगा, क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन, बवाल, मॉन्स्टर नहीं है ये, मत डरो। ऐसे ऐसे बच्चों को हम डराते हैं ना, रात हो गई अंदर जाओ झोला पूड़ी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बस समझ लीजिए कि वो जो 9 महीने होते हैं तो वो माँ भी की भी लाइफ थोड़ी 9 महीने के लिए अलग हो जाती है, जैसे वो एक यूजुअल लाइफ जीती थी, बस वैसे ही आपकी लाइफ थोड़ा अलग हो गई है आपकी यूजुअल लाइफ से। बस उस बच्चे को गर्भ से निकलना बाकी है, मतलब आपकी जर्नी कंप्लीट होने को है, लेकिन आपको अपनी जर्नी को बजाय परेशान होने के डिवाइन पर सरेंडर करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। अगर उसने जर्नी दी है आपको तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो कभी आपका बुरा नहीं कर सकता। हाँ, बुरा किस कंडीशन में हो सकता है? जैसे कि देखिए, सम टाइम्स ऐसा होता है कि किसी किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, राइट, और उसकी एनर्जी ऊपर की तरफ उठ रही है अवेकनिंग के टाइम पे, उसको बहुत सिर में दर्द हो रहा है, उसको इरिटेशन हो रहा है, उसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, पर उसको समझ में आ नहीं रहा है कि हो क्या रहा है, और इतना परेशान हो जाता है कि समटाइम्स दे थिंक अबाउट द सुसाइडल अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो अगर आप अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो अननेसेसरी वो लोग इरिटेशन में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, या वो लोग उनसे दूर, वो बिल्कुल अकेले हो रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं लाइफ में, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं और वो सुसाइडल अटेम्प्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो प्लीज़ ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि उनको आप ऐसे वीडियोज़ शेयर करिए या उनको गाइड करिए, उनको समझाइए कि दिस इज़ योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग समझ में आ जाए उसके बाद तो कोई दिक्कत, सोल शॉक क्या होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल यही होता है कि आपके संग क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आता है, यू सिंपली वांट द क्लैरिटी कि व्हाट एग्जैक्टली मेरे साथ हो रहा है। और एक बार ये आपको क्लैरिटी आ गई तो उसके बाद यू कैन जस्ट कंप्लीट योर जर्नी, ठीक है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक बात और कहना चाहूँगी। मेरा जो उस दिन का केस था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने अपने किसी क्लाइंट को कहा कि यू आर नॉट ट्विन, यू आर, ठीक है, यू आर नॉट डीलिंग विद द ट्विन फ्लेम, उनका एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। कल शाम का मेरा एक्सपीरियंस था और ये क्योंकि मैं किसी का नाम लेके शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस आपके एक फ़ायदे का है तो मुझे बताना ज़रूरी था। दोस्तों, जो मेरी क्लाइंट थी उन्होंने मुझसे पहले कहीं टैरो करवाया, राइट, और टैरो में कहा गया कि यू आर ट्विन,
और फिर जब उन्होंने कन्फर्म करने के लिए मुझसे बात करी तो मैंने कहा यू आर नॉट ट्विन, मतलब यू आर नॉट डीलिंग विद द ट्विन ट्विन सोल ट्विन फ्लेम। तो मानी बात है तो उनको थोड़ा सा बुरा लगा था, ठीक है, क्योंकि एक जन ने ट्विन फ्लेम बोल दिया, अगर मैं कहूँ कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं तो बुरा लगता है। अपनी जगह उन्होंने फिर मेरे बाद किसी और को टैरो किसी दूसरे टैरो रीडर को टैरो करवाया। उन्होंने कहा कि यू आर नॉट इन ट्विन सोल जर्नी, ठीक है। अब वो फिर परेशान होकर, कल शाम को मुझे फ़ोन आया, मैम मैं बहुत परेशान हूँ, दो टैरो रीडर अलग अलग रीडिंग कर रहे हैं, एक कह रहा है, उसने मुझसे बहुत ही ओपनली एडमिट किया कि मैम मैं आपके बाद दूसरे टैरो कार्ड के पास फिर गई, टैरो कार्ड रीडर के पास, और मैं अब परेशान हूँ, मैडम आप बताइए मैं क्या करूँ। एक टैरो रीडर कहता है तुम ट्विन हो, दूसरा टैरो रीडर कहता है तुम ट्विन नहीं हो, और आपने भी कहा है कि मैं नहीं हूँ। मैंने कहा कि टैरो रीडिंग यही होती है, इस पर अगर आप चलते रहोगे इस तो फिर एक, मैंने बताया है कि एक बार पत्ता कुछ और निकलता है, दूसरे टाइम कार्ड कुछ और निकलता है, इट्स ऑल फॉर फन, ये सब फन के लिए ठीक है, या आपको थोड़ी सी देख देख के हीलिंग मिल जाती है कि हाँ भाई शायद मेरा बंदा अभी आ रहा है लाइक दिस, बट ट्रुथ इज समथिंग एल्स। और जितना हम ट्रुथ से कनेक्टेड रहेंगे, और ट्रुथ इज दिस कि यू आर इन द स्पिरिचुअल जर्नी, आपको स्पिरिचुअल जर्नी पूरी करनी है, नो टैरो कार्ड रीडर, नो हॉरोस्कोप, नथिंग कैन कन्फर्म योर जर्नी। बस ये 101% है कि अगर आप यहाँ ठहरे हो आप यहाँ, तो मतलब आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी है, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो। और जितना आप लॉजिकली सोचेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, आप सिर्फ कंफ्यूज होंगे, अपनी जर्नी डिले करेंगे, और होपफुली कि आप सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर लें। तो उससे बेटर है कि आप एटलीस्ट अपनी जर्नी को तो पूरा करिए, और जर्नी का जो एंड रिज़ल्ट है वो आपका लॉस तो नहीं है फॉर श्योर, जर्नी का एंड रिज़ल्ट मिराकुलस गिफ्ट्स हैं, ठीक है, डिवाइन गिफ्ट्स हैं। तो इतना कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, ये मुझे शेयर करना ज़रूरी था आपसे, ठीक है। तो यूनियन का सबसे पहला साइन ये होता है कि जब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल प्योरिटी में आ जाते हो, बिल्कुल प्योर सोल बन जाते हो, ठीक है, और जब आप और प्योर सोल बनेंगे तब ही आपको सारी सिद्धियाँ मिलती हैं, ये याद रख लीजिए, ठीक है। मतलब ये जर्नी वैसे भी आपके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, ठीक है। वो जो बच्चा 9 महीने पेट में तैयार हो रहा है, उस बच्चे का अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि आपको बिल्कुल भगवान की तरह, भगवान तो हम नहीं बन सकते पर हाँ भगवान की तरह उस प्योरिटी की स्टेट में आना है, एंजल्स की तरह। देखिए दोस्तों, एक मुझे मौका मिला तो मैं एक बात बोलूँगी, आप लोग सब सुनते हैं हमें प्योर होना है होना है होना है, पर कोई एक्चुअली में प्योर होता नहीं, हो नहीं पाते हैं आप लोग, वर्क ऑन दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसे आप इंस्टा में मुझे, आप लोग में से कई लोग मैसेजेस करते हैं, कुछ क्वेरी पूछते हैं, मैंने एक क्वेरी का आंसर दिया, ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेरी, सेकंड का आंसर दिया, तो कंटिन्यूसली आप लोग के क्वेश्चंस उसमें आते रहते हैं। और अगर मैं उसमें आप लोग को लिखती हूँ कि राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू आंसर, आई एम बिज़ी, आई एम टायर्ड, राइट, ठीक है, अभी मैं आई एम ड्रेन्ड, क्योंकि दिन भर के मेरा भी अपना एक पर्सनल लाइफ है मेरी, प्लीज़ रिस्पेक्ट माई पर्सनल लाइफ, प्लीज़ रिस्पेक्ट माई प्रोफेशनल लाइफ। तो उसके बाद भी आप लोग मैसेजेस लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। ये बताइए, अगर आपका ये इशू है, मैं क्यों यहाँ पर बोल रही हूँ, अगर आप फिर भी आप देख रहे हो कि मैडम लिख रही है कि आई एम टायर्ड, आई एम ड्रेन्ड, राइट नाउ अनेबल टू आंसर, तो यू शुड रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी। बट अगर आप अपने ही जो पेंस को आप यहाँ पर लिखते जाओगे, जब आपके में पेशेंस ही नहीं है, तो आपका डीएम यही सेम ट्रीटमेंट अगर आपने डीएम के साथ आप करोगे, तो डेफिनेटली आप ब्लॉक तो होगे ना। व्हेन समवन इज सेइंग यू नो प्लीज़ डोंट राइट राइट नाउ आई एम बिज़ी, और अगर आप मेरी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, या मेरी हेल्थ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो कि मैडम बेचारी टायर्ड हैं, इस वक्त बिजी हैं, शी इज़ ड्रेन्ड, आई शुड नॉट डिस्टर्ब हर, आप सिर्फ अपने बारे में लिखे जा रहे हो, अपना लिखे जा रहे हो, तो ये एक ब्लॉकेज नहीं है क्या? और यही ब्लॉकेज, यही इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी, और आपकी इसी इंटेंसिटी से आपका डीएम भागता है। तो प्लीज़ हील दिस, ठीक है। तो आपको इतने प्योरेस्ट फॉर्म में आना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि समवन इज टायर्ड, ओके, ज़्यादा इमरजेंसी है, हम बात कर लेते हैं, सीधी बात,
चलिए इस ऑल राइट नेक्स्ट पॉइंट, जब आप बिल्कुल यूनियन के कंफर्म साइन, ये भी है कि जब आप यूनियन के करीब आते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लगने लगती है। आप अपने मैस्कुलिन के साथ के वो मोमेंट्स याद करते हो जब आप बहुत इंजॉय करते थे। अभी इन द बिगनिंग यू मिस, यू थिंक अबाउट द सैड मोमेंट्स, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, बट जब हम लेटर स्टेज में आते हैं अपनी जर्नी के तो हम लोग हैप्पी मोमेंट्स याद करते हैं और वो हैप्पी मोमेंट्स से हम लोग एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं, हम मुस्कुराना शुरू करते हैं, हम खुद अपने आप हीलिंग लेना शुरू कर देते हैं, राइट? तो बिल्कुल आप जब आप नेगेटिविटी की निल स्टेज में आ जाते हैं, नो नेगेटिविटी, दैट इज़ द कन्फर्म्ड 100% कन्फर्म साइन ऑफ योर यूनियन, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में रहने लगते शुरू कर देते हो, ठीक है, और ख़ुद को मेंटेन करना शुरू कर देते हो, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, अपने अपने हेयर्स, अपनी बॉडी, एवरीथिंग यू आर मेंटेनिंग फॉर योर सेल्फ, ठीक है? जो आपको खुद से तैयार होना अच्छा लगने लगता है, खुद को मेंटेन करना अच्छा लगने लगता है, तो इट इज़ अ कन्फर्म साइन कि अब आप हाई वाइब्रेशन में हो और आपका यूनियन करीब है। उसके बाद आप जो लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल के टाइम पे या सो आपसे दूर चले गए थे, एक्चुअली जब इस टाइम जब आपकी अवेकनिंग शुरू होने होती है तो एकदम से लोग आपकी लाइफ से दूर हटने लगते हैं, आप अकेले होने लगते हो, आपको समझ नहीं आता कि मैं सब लोग को मुझसे प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों इतनी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, और आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हो, तो ये सब आपके संग किया जाता है बिकॉज आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आना है, आप उस 9 महीने के टाइम में आप एंटर करने वाले हो, राइट? लेकिन जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग पूरी, ये जर्नी कंप्लीट होने को होती है, यही लोग वापस आपकी लाइफ में अपने आप आते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू नो हाउ आर यू, कहाँ थी इतने दिन तक, अरे यार कहाँ गायब हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछने लगेंगे। दिस इज़ द कन्फर्म साइन ऑफ रीयूनियन, ठीक है? फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप लोग मुझसे पूछते हैं, मैम मुझे ये नंबर दिख रहा है, वो नंबर दिख रहा है, ये साइन दिख रहा है, वो साइन दिख रहा है, मैंने आपको कहा भी है दोस्तों इससे ऊपर उठो, इसका मतलब ये है कि अगर आप यूनियन आपके करीब है तो ये साइन को आप बॉदर करना ही बंद कर दोगे। अरे दिन में कितने नंबर दिखते हैं, समटाइम्स 2-2-2 भी दिखता है, 5-5 भी दिखता है, तो हम लोग क्या मतलब कहाँ तक यही देखते रहेंगे कि सी। तो अब आपकी लेटर स्टेज में आप नंबर दिख भी रहे तो यू विल सिंपली इग्नोर, अब वो नंबर आप बॉदर नहीं करते हो, वो साइन बॉदर नहीं करते हो, क्योंकि अब आपको कॉन्फिडेंस है अपने सोल लेवल पे कि मेरा यूनियन होना ही है, राइट? ये नंबर की इम्पॉर्टेंस सिर्फ इन द बिगनिंग होती है कि यस अब आपका वो कुकून वाला टाइम शुरू हो रहा है जब आपको इस जर्नी पे आना है, ठीक है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिगनिंग, बट लेटर स्टेज में इन नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है? फिर आप लोग जानते ही हो कि आप लोग को बहुत अबेंडेंस स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल आप लोग जो भी सोचते हो मैनिफेस्ट होने लगता है, ठीक है? ये अगेन कन्फर्म साइन है। फिर आपको आपके जो टेस्ट एंड ट्रिगर्स हैं, जो अभी आप लोगों को फैमिली से टेस्ट एंड ट्रिगर्स मिल रहे हैं या डीएम से टेस्ट एंड ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ये आपके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि अब आप प्रिपेयर्ड, अब नाउ यू आर, अभी टेस्ट एंड ट्रिगर्स को आपने अगर हील कर लिया, मैंने सिंपली एक टिप दी है, इंस्टेड रिएक्ट एक्सेप्ट, इसको लिख लीजिए, जब ट्रिगर्स होते हैं तो रिएक्ट मत करो, जब ट्रिगर होते तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है? किसी ने आप पे ब्लेम किया, आप ऐसे हो, ठीक है, इग्नोर करो, एक्सेप्ट करो और बैठ के सोचो कि मुझे यूनिवर्स क्या ब्लॉकेज दिखा रहा है, इसको हील करो। ये ट्रिगर्स आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी ब्लॉकेज दिखाने में, जो आप लोग खुद अपनी बुराइयाँ ढूंढ नहीं पाते हो। इंसान का ये है, इंसान दूसरों की बुराई ढूंढता है, इंसान अपनी बुराई ढूंढ नहीं पाता है। जब आप अपनी बुराई खुद ढूंढ नहीं पाते तो यूनिवर्स आपको दूसरों के थ्रू दिखाता है तुम में ये है, इसको ठीक करो, हील करो, ब्लॉकेज को हील करो। इसको हम एक्चुअली मिररिंग भी कहते हैं। मतलब ये है कि अगर दुनिया आपके साथ खराब व्यवहार कर रही है, मींस इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू ओनली। सो आप जब मिररिंग को समझ जाते हैं कि या अब आप किसी का बुरा मानने की जगह पर आप ये समझना शुरू कर देते हो कि दिस इज़ माय रिफ्लेक्शन ओनली, ठीक है, ये मिररिंग है मेरे साथ, और आपको मिररिंग समझ में आने लगती है और उसके अकॉर्डिंग आप लोग खुद को हील करना शुरू कर देते हो, मतलब समझ लीजिए कि अब आपका यूनियन बहुत करीब है। प्लस
आपका डीएम एक तो ट्रिगर करना बंद कर देता है, ये भी एक कन्फर्म्ड साइन है। आपके डीएम जब आपको, आपके ट्विन फ्लेम जब आपको ट्रिगर करना बंद कर दे, इट इज़ अ 100% कन्फर्म साइन। या ट्रिगर किया भी तो आप उसको बिल्कुल हंसी हंसी में ले लोगे। अभी आज आपको कुछ बोल दे कि तुम मुझसे बात मत करो, तुम दूर रहो, तो आपको, आप ड्रेन हो जाते हो, आप बहुत दुखी हो जाते हो, बट बाद में आप उसको बिल्कुल हंसी हंसी में लोगे, बिल्कुल नॉर्मल लोगे, इट्स ओके, एंड यू विल बी फोकस ऑन योर वर्क, योर प्रोफेशन, योर करियर, ठीक है। यस, इस टाइम पे आप और ज़्यादा अपने करियर पे फोकस हो जाते हो, अपने काम पे फोकस हो जाते हो, मीन्स नाउ यू आर हार्डली बॉदरिंग एनीथिंग एंड प्लस यू आर एट द हाई वाइब्रेशन। तो दिस इज़ अ कन्फर्म साइन ऑफ योर रीयूनियन। वन मोर थिंग, हम लोग भी अपने डीएम की तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं, ये तो बहुत ही स्वीट कन्फर्म साइन है। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दी है कन्फर्म साइन, मैं थोड़ा सा आपको डिवाइन टाइमिंग के बारे में भी बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन मेल पे आया था, तो आई थॉट कि मैं इसी में कवर कर लेती हूँ, इंस्टेड की मैं अलग मेल बनाऊँ। सी दोस्तों, डिवाइन टाइमिंग क्या होता है, एक्चुअली जब आप फिजिकल प्लेन पर अपने डीएम से मिल लेते हैं, राइट, तो अब जो यहाँ से आपकी लाइफ शुरू होती है, अब आपकी नहीं रहती है। बिल्कुल लिख लीजिए मेरे एक एक पॉइंट, अब ये जो लाइफ है आपकी नहीं है, यूनिवर्स की है, ठीक है। तो अब आपकी लाइफ में 3D रूल्स फॉलो होंगे ही नहीं। आपकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, आपका डिवोर्स हुआ हो या नहीं हुआ हो, वट एवर, 3D रूल्स अब फॉलो नहीं होंगे। नाउ इट्स टाइम कि अब आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी करनी है, चाहे आपकी शादी की उम्र हो या नहीं हो, आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी ही करनी, क्योंकि नाउ, क्योंकि ये लाइफ आपको यूनिवर्स ने दी है, उसका अधिकार है, तो अब आप पे यूनिवर्स के रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। अब अगर आप कहते हो कि मुझे इस जर्नी पे नहीं रहना है, तो आप, यूनिवर्स खुद आपको खींच के लेके आएगा। बस फर्क ये है कि तब यूनिवर्स आपके संग स्ट्रिक्टली बिहेव करेगा, कैसे एक मदर होती है कि भैया प्यार से बोल रही, समझ लो, नहीं समझोगे तो फिर डंडे, राइट। तो उसी प्रकार से अगर आप अपने आप भागोगे जर्नी से, तो यूनिवर्स आपको खींच के लेके आएगा, आपसे स्ट्रिक्टली बिहेव करेगा। बट एक मदर चाहती है कि मेरा बच्चा, अगर आप आपको खाना खाने के लिए बोला, आप खाना नहीं खा रहे, आपको प्यार से बोला, आपने खाना नहीं खाया, तो डंडे पड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मेरा बच्चा खाना खा ले, उसका पेट भर जाए, ये एक माँ का उद्देश्य होता है। एग्जैक्टली लाइक दिस, कि अगर आप इस जर्नी से भागोगे, तो यूनिवर्स आपको खींच के लेके आएगा, आपको आपके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करेगा, और आपको इस जर्नी पे चलना होगा, और उसका उद्देश्य यह है कि आपका डिवाइन टाइमिंग इसी लाइफ में पूरा होना है। तो आपका डिवाइन टाइमिंग भी यूनिवर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार फिजिकल प्लेन पे आप अगर अपने पर्सन से मिल लिए हो, तो अब ये लाइफ यूनिवर्स की है, और यूनिवर्स अपना आपसे ये जर्नी खुद करवा लेगा स्ट्रिक्ट होके, और यूनिवर्स का उद्देश्य यही रहता है कि आपको इसी लाइफ में आपका डिवाइन टाइमिंग पूरा करना है, इसी लाइफ में आपकी रीयूनियन करवानी है। ये यूनिवर्स की ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे आप सरेंडर करो या ना करो, ठीक है। तो बिहेव लाइक अ गुड चाइल्ड, ठीक है। तो यही होती है डिवाइन टाइमिंग। तो अच्छे बच्चे की तरह सिंपली गो विद द फ्लो, ठीक है। अपनी जर्नी पूरी करिए, अपनी जर्नी पे विश्वास करिए, और इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ अपनी जर्नी को इन्जॉय करिए। और जिन लोगों को आप लोग आसपास देख रहे हैं, जो इस सिचुएशन से, इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस जर्नी में, उन लोगों को प्लीज़ हेल्प करिए, ये वीडियोस शेयर करिए, इसको उनकी, उनको हेल्प करना अपना सोल पर्पस बनाइए, ठीक है दोस्तों। खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड।